Welcome friends, welcome to the lecture series of basic electronics. So in today's session we are going to discuss about the different types of breakdown occurring in the diode, how they will occur and what kind of characteristics can be seen during this breakdowns that we are going to learn in this video lecture. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि रिवर्स ब्रेकडाउन जो है वो अभी हम समझने वाले हैं. हमने प्रीवियसली अंडरस्टैंड किया था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस. ओके, तो यहाँ पे अभी हम जो केस ले रहे हैं दैट इज माय रिवर्स बायस कंडीशन. रिवर्स बायस के अंदर क्या केस हो रहा था वो अभी हम देख रहे हैं. सो रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर हमें पता है कि वी हैव अप्लाइड दी बैटरी इन दी रिवर्स डिरेक्शन, राइट. तो जो मेरा लेटाइस था जिसे हम पीएन जंक्शन बोल रहे थे दैट इज हैविंग दी कनेक्टिविटी ऑफ दिस रीजन लाइक दिस वे. तो ये मेरा रिवर्स बायस कंडीशन का जो सर्किट था वो कुछ इस तरीके से था. दिस इज माई पी, दिस इज माई एन. तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा जब भी हमने ये अभी वोल्टेज जैसे ही यहाँ पे अप्लाई किया ड्यू टू दैट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ओवर हियर दैट इज ऑफर्ड बाय दिस डेप्लेशन रीजन. ओके, तो ये जो डेप्लेशन रीजन है वहां पे टेम्परेचर राइज हो रहा था ड्यू टू दैट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना टेम्परेचर क्या होगा, हाई होता जाएगा. तो उसकी वजह से देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ माइक्रो एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट वॉज फ्लोइंग थ्रू दिस. कोई होल्स या कोई इलेक्ट्रॉन्स दे कैन बी एबल टू क्रॉस दिस जंक्शन ड्यू टू दैट हीटिंग. ओके, तो वो जो रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो हो रहा था दैट विल बी स्टेबल आफ्टर सम व्हाट टाइम. थोड़े टाइम के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, आफ्टर दैट इट विल नॉट फ्लो. पर अभी हम क्या कर सकते हैं, तो अभी हमें देखना है कि यहां पे अगर हम वोल्टेज अगर ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक लिमिट से अभी हम आगे जाएंगे. जैसे हम फॉरवर्ड बायस के अंदर देखा था कि 0.7 वोल्ट से ज्यादा अगर हम देते हैं तो देन इट विल द डायोड विल बी इन द कंडक्शन मोड. सो वेदर इट इज पॉसिबल इन रिवर्स बायस और नॉट, तो वो देखने के लिए हम अगर इसको यहां पे बढ़ाते चलते हैं रिवर्स वोल्टेज को, ठीक है. तो जो रिवर्स सेचुरेशन करंट था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, रिवर्स सेचुरेशन करंट वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज. उसको अगर आप बढ़ाएं तो उसकी वजह से यहां पे हम नहीं देख रहे थे, ये नॉर्मल टेम्परेचर राइज था ड्यू टू दिस रिवर्सल ऑफ दिस बैटरी. ओके, हमने यहां पे कोई इंक्रीज नहीं किया था. अभी हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द फिनोमिनन कॉल्ड द रिवर्स ब्रेकडाउन. ठीक है, तो हमें रिवर्स ब्रेकडाउन पढ़ना है अभी. तो रिवर्स ब्रेकडाउन में क्या होगा, फॉर द रिवर्स ब्रेकडाउन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंक्रीज दिस वोल्टेज, इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा. So reversed bias diode having this voltage will be increased and it will undergoes two types of breakdown. First, that is my avalanche breakdown, and second will be the Zener breakdown. तो ये दोनों breakdown हम आज अच्छे से इनको detail में understand करने वाले हैं. सो ब्रेकडाउन ड्यू टू दी एवेलेंच इफेक्ट, तो ये क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज माई एवेलेंच. ओके, सो यहां पे मैं लिख रहा हूं एवेलेंच ब्रेकडाउन. तो यहां पे अगर आप देखें व्हेन अ वेरी लार्ज रिवर्स वोल्टेज, बहुत ही ज्यादा वेरी लार्ज रिवर्स वोल्टेज is applied, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं टू अ डायोड टू
अ डायोड द इवेंट्स टेक्स प्लेस. क्या हो रहा है वो अभी हम देख रहे हैं. इन द फॉलोइंग सीक्वेंस. ओके, तो ये सीक्वेंस के अंदर होगा. तो सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू द लार्ज रिवर्स वोल्टेज. ठीक है, ज्यादा हम रिवर्स वोल्टेज अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, सो फर्स्ट स्टेप तो क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स, की वेलोसिटी जो है उसके रिगार्डिंग है. माइनॉरिटी कैरियर्स वेलोसिटी विल बी इंक्रीज्ड, ओके, ये बढ़ जाएगी. माइनॉरिटी कौन है, अगर फिर से अगर आप भूल गए हैं तो याद दिला देता हूं. फॉर द एन टाइप रीजन इट इज होल्स, एंड फॉर पी टाइप रीजन इट इज इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो ये आपको याद रखना है. और मेजोरिटी इसका रिवर्स हो जाएगा. तो यहां पे मेजोरिटी पूछा जाए फॉर द एन टाइप रीजन इट विल बी इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे अगर पूछा जाए देन इट विल बी होल्स फॉर द मेजोरिटी, राइट. तो इनकी जो वेलोसिटी है माइनॉरिटी कैरियर्स की वो बढ़ जाएगी अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ज्यादा बढ़ जाएगी, एक पिक पे पहुंच जाएगी. ठीक है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल वोल्टेज इंक्रीज. ठीक है, ये हमने एक्सटर्नल वोल्टेज जो थे उनको क्या किया है, इंक्रीज किया है. दैट्स व्हाई दिस माइनॉरिटी कैरियर्स वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, एंड देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम विल आल्सो इंक्रीज. क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज. तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जिसके अंदर हम एवलांच समझ रहे थे. नाउ फॉर द सेकेंड स्टेप, दूसरी सीक्वेंस में, दूसरे में क्या हो रहा है सीक्वेंस के अंदर, ट्रैवलिंग दिस माइनॉरिटी कैरियर्स विल कोलाइड विद द स्टेशनरी एटम्स. माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी विल कोलाइड, मतलब दोनों के बीच में टक्कर होगी, कोलाइड विद स्टेशनरी एटम्स. एटम्स जो वहां पे रहेंगे जो स्टेशनरी कंडीशन में है उनके साथ ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, मतलब टकराएंगे. ठीक है, स्टेशनरी एटम्स, तो ये स्टेशनरी एटम्स के साथ अगर टकराएंगे तो क्या होगा, दैट इट विल इंपार्ट सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, मैं यहां पे ले रहा हूं क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं है. सो इंपार्ट एंड लीव सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी किसे देगा, सीधी सी बात है, जो वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो भी एटम्स है उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जिसे हमने आगे पढ़ चुके हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो एक ऑर्बिट के अंदर फिक्स नहीं है, कोई भी एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के जो नहीं रह रहे, वो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसे हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रेजेंट इन दी एटम्स. ओके, तो इनके साथ कोलाइड करके इनको थोड़ी सी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो दैट इज माय सेकेंड स्टेप. द थर्ड स्टेप, क्या बोल रहा है, ड्यू टू द एडिशनली एक्वायर्ड एनर्जी, देखिए अभी क्या कितनी एनर्जी आ गई, एक यहां से आप बैटरी के साथ दे रहे हो, तो बैटरी की वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये एटम्स के साथ टकराएंगे, एंड दे विल ऑल्सो गिव देयर एनर्जी टू दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके पास भी कोई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो दे कैन ऑल्सो मूव. ओके, सो ड्यू टू दिस एडिशनल एक्वायर्ड एनर्जी, अभी क्या होगा, एडिशनल एक्वायर्ड एनर्जी
दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये क्या हो जाएंगे, इट विल ऑल्सो बिकम इन दी पर्टिकुलर मूमेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स विल ब्रेक दी बॉन्ड्स, ये जो है वो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड्स या एक्स्ट्रा कोई बॉन्ड्स के साथ अगर जो एटम के साथ जुड़े हुए हैं तो वो बॉन्ड्स को क्लियर करके मतलब ब्रेक करके क्या करेंगे बॉन्ड्स एंड जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये फिनोमिना भी आपको पता है, वैसे ये ट्वेल्थ में आ चुका है, स्टिल आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग, कंडक्शन बैंड टू बिकम फ्री फॉर कंडक्शन, राइट, कंडक्शन के लिए ये फ्री होना चाहेंगे। तो क्या है, देखिए दिस इज माई कंडक्शन बैंड ओवर हियर, इसे हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड एंड दिस इज माई वैलेंस बैंड। ओके, तो यहां पे कुछ एनर्जी गैप रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज दी एनर्जी गैप, राइट। तो ये एनर्जी गैप कैसे फिलअप होगा, तो यहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन है, इसे अगर जाना है यहां पे कंडक्शन बैंड के अंदर तो इतनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, तो ये एडिशनल एनर्जी कहां से मिलेगी, सो दिस एडिशनल एनर्जी विल बी फ्रॉम दी पर्टिक्यूलर दिस काइनेटिक एनर्जी जो यहां पे स्टेशनरी एटम्स के साथ टकराने से उनको मिल रही है, उसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जो एनर्जी गैप था वो फिलअप हो जाएगा एंड दे विल ट्रैवल टूवर्ड्स दी वैलेंस टू दी कंडक्शन बैंड एंड इट विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग अ करंट, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो ज्वाइन ऑल्सो फॉर्म अ करंट इन दी लूप, यहां पे जो लूप है उसके अंदर करंट फॉर्म करेंगे, राइट। So, ये जो चीजें हमने अभी तक डिस्कस की इसे हम बोलते हैं कि ये मेरा एवलेंच ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ये मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करने से क्या हो जाएगा, दे विल बी एक्सेलरेटेड, ऐसा भी हम बोल सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड एंड दे नॉक आउट सम मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय मीन्स ऑफ कोलाइजन्स करेंगे दूसरों के साथ भी, एंड दिस ये जो चीज हो रही है उसे हम बोलेंगे चेन रिएक्शन। सो दिस चेन रिएक्शन इज कॉल्ड एज एवलांच ब्रेकडाउन, राइट। तो यहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि एवलांच ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, सो दिस वे योर एवलांच ब्रेकडाउन कैन बी पॉसिबल, राइट। सो एवलेंच ब्रेकडाउन इसे कहते हैं। तो क्या होगा, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड अ लार्ज रिवर्स करंट विल फ्लो थ्रू द रिवर्स बायस डायोड। ठीक है, द एवलेंच ब्रेकडाउन हैज दस टेकन प्लेस। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो पूरा हो रहा है। तो फिर से अगर आप देख ले तो क्या हो रहा है, वी आर एक्सटर्नली अप्लाइंग सम वोल्टेजेस, वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज, आफ्टर इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज ड्यू टू दैट एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज देयर विल बी सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर हैविंग सम बॉन्ड्स विद द एटम्स इनसाइड द बॉन्ड्स एंड दे आर कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल गेट सम एनर्जी, सो दे विल
travel towards the valence band to conduction band. Due to the external supply voltage, the electrons will collide with the stationary atoms, and these stationary atoms will get some kinetic energy from that collision. And due to that collision, what will happen? This valence electrons will get some extra energy, that is the energy gap required to travel them from valence to conduction band, and it will cause a current. It will make a current in this particular loop, and these free electrons will be accelerated and also make some more collisions with the valence electrons and make the other electrons to break out or jump into the conduction band, and it will form a chain reaction, and this chain reaction is nothing but the avalanche breakdown. Okay, so this way a particular avalanche breakdown can be done, but there is some problem. What is the problem? We need to avoid the breakdown. जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि ब्रेकडाउन को अवॉइड करना चाहिए. क्यों? चलो समझते हैं. सी, ब्रेकडाउन इज ड्यू टू द हैवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन्स विद द एटम्स, राइट? ये चीजें आपको पता होगी अभी. सो एट द टाइम ऑफ द एवलेंस ब्रेकडाउन अ लार्ज रिवर्स वोल्टेज, क्या हो रहा है? एट द टाइम ऑफ ब्रेकडाउन अ लार्ज रिवर्स वोल्टेज अपियर्स, क्या हो रहा है? अपियर्स अक्रॉस द डायोड एंड अ लार्ज रिवर्स करंट फ्लोस. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, अभी इसी के ऊपर से है. देखिए, अभी समझ लीजिए कि अगर ये इतना सारा करंट यहां से फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा? इट विल कोज मोर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, लार्ज पावर लॉस ऑल्सो बी डन अक्रॉस दिस पीएन जंक्शन डायोड. बहुत सारा पावर लॉस क्या कहां होगा इसके अक्रॉस, एंड ड्यू टू दिस लार्ज पावर लॉस देयर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इट विल कॉज दी डैमेज टूवर्ड्स दिस पी एंड दी एन रीजन. पी और एन जो सेमी कंडक्टर्स है उनको डैमेज कर सकता है, या तो पूरा जो डायोड है उसको भी डैमेज कर सकता है. सो इट विल वायोलेट द सेफ्टी लिमिट्स ऑफ द पर्टिकुलर डायोड. डायोड की से जो करंट की सेफ्टी लिमिट होगी उसको ये वायोलेट करेगा और डायोड को हो सकता है कि परमानेंटली डैमेज कर दे. ठीक है, परमानेंटली डैमेज कर देगा. सो देयरफॉर द रिवर्स ब्रेकडाउन शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड. क्या करना चाहिए हमें? ऑलवेज अवॉइड करना चाहिए रिवर्स ब्रेकडाउन को. ठीक है, अदरवाइज इट विल कॉज द परमानेंट डैमेज टू दिस पर्टिकुलर डायोड. ओके, सो आप एक चीज समझ लीजिए, हम हर बार ये डायोड को इस तरीके से ही दिखा रहे हैं. दैट इज ऑल्सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग, बट इट इज मोर ऑफनली लाइक दिस वे. ओके, सो आप धीरे धीरे इन चीजों को इस तरीके से देखने की आदत बना ले, देन इट विल बी इजियर फॉर यू फॉर एवरीथिंग, एंड इट विल ऑल्सो हेल्पफुल टूवर्ड्स द टर्मिनल इंट्रोडक्शन, राइट? एनोड कैथोड किसे बोलते हैं वो भी हम इससे देख पाएंगे. ठीक है, सो देयरफॉर इट इज सेड दैट अवॉइड ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन को हमें अवॉइड करना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट जेनर ब्रेकडाउन. तो जेनर ब्रेकडाउन क्या हो रहा है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सी, जेनर ब्रेकडाउन इज अ डिफरेंट थिंग, एंड फॉर दैट अ डिफरेंट डायोड नेम्ड एज जेनर डायोड इज यूज्ड. ये ऑलरेडी 12th में हम पढ़ चुके हैं. वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग इन द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव चैप्टर्स.
And we will also learn this Zener diode at its full, but right now we are just considering the breakdown. And there is an important question always asked by GTU, that is the comparison of this both the breakdown. First we have seen that is becoming in the normal diode, that was the avalanche breakdown, and this is becoming popular in the Zener diode, and it is called as the Zener breakdown. Okay, so Zener breakdown jo hai wo kya ho raha hai. So first of all, रिवर्स वोल्टेज तो आएगा ही, ठीक है. सो दैट इज द कॉमन थिंग. सो रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड टू द जेनर डायोड, ओके. तो इसको हम करेंगे रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायस. सो ड्यू टू दिस रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन ही होगा, पर इसके अंदर जो नाम दिया गया है इस ब्रेकडाउन को, दैट इज द जेनर ब्रेकडाउन, कैन टेक प्लेस ड्यू टू अनदर जेनर इफेक्ट. जो आगे हमने पढ़ा वो था एवलेंच इफेक्ट, तो यहां पे कौन सा आ रहा है, दिस इज माय जेनर इफेक्ट. सो जेनर इफेक्ट कैसे प्लेस हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, ओके. अभी क्या होगा, जेनर डायोड जब हम बात करेंगे, देन जेनर डायोड हैविंग द हैवी डोपिंग ऑफ पी एंड एन साइड ऑफ द डायोड, ड्यू टू द हैवी डोपिंग, हमें क्या करना पड़ेगा, डोपिंग जो है वो डोपिंग लेवल कंपैरेटिवली नॉर्मल डायोड के कंपेयर से इसमें ज्यादा होगा, पी एंड एन साइड ऑफ द डायोड दैट इज द जेनर डायोड. द डेप्लेशन रीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इज नैरो, मतलब पतला हो जाएगा, इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन, ठीक है. आपको भी समझ में आ जाएगा कि रिवर्स बायस में डोपिंग अगर हम ज्यादा रखें तो क्या हो जाएगा, तो हमारे अंदर जो इसके अंदर पीएन जंक्शन के अंदर जो एटम्स रहेंगे दैट विल बी हैवी डोपिंग इन दी पी साइड एंड एन साइड, एंड ड्यू टू दिस हैवी डोपिंग ऑलरेडी देयर विल बी सम मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रेजेंट इन दी ईच साइड, पी और एन साइड के अंदर ऑलरेडी हैवी डोपिंग है. ड्यू टू दैट हैवी डोपिंग देयर विल बी सम मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अवेलेबल इन साइड दिस रीजन्स, ओके. तो ऑलरेडी इनके अंदर हैवी डोपिंग की वजह से ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये डेप्लेशन रीजन क्या हो जाएगा, इसको अगर आप रिवर्स में भी कनेक्ट करेंगे देन इट विल ऑल्सो बिकम नैरो, पतला होता जाएगा, ठीक है. तो ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा, ऑल द रिवर्स वोल्टेज वी, ऑल द रिवर्स वोल्टेज वी अपियर्स across the depletion region, right? इसके across सारे जो है वो voltage आ जाएंगे. दूसरा क्या हो रहा है, the electric field which is the voltage per unit distance is very intense across the depletion region. यहां पे जो रीजन के पास डेप्लेशन रीजन जो पतला सा बना है उसके पास इंटेंस एकदम टेंस वाला मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा. सो इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, यहां पे प्रोड्यूस होगा. इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा, अक्रॉस द डेप्लेशन रीजन. तो यहां पे ऑलरेडी आपको
ये इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली आपको मिलने लगेगा। अगर आप फर्दर वोल्टेजेस बढ़ा रहे हो ये रिवर्स वाले, देन इट इज पॉसिबल दैट यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ करंट इन द रिवर्स वोल्टेज, राइट? सो ड्यू टू दिस इंटेंस फील्ड इट कैन पुल अप सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू दिस इट विल पुट अप सम मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये इनके साथ कोलाइजन बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है जो हमने प्रीवियसली अंडरस्टैंड किया था, जस्ट डोपिंग की वजह से, एक डोपिंग जो है उसी की वजह से ये पूरा चेंजेस आ चुका है। यहाँ पे डोपिंग ज्यादा होगा उसकी वजह से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर नंबर ऑफ होल्स विल बी देयर, सो मोर नंबर ऑफ कोलाइजन्स विल बी देयर, एंड ड्यू टू दैट मोर नंबर ऑफ कोलाइजन्स मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल टूवर्ड्स दी वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, राइट? सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय ब्रेकिंग, तो क्या हो जाएगा, दे विल ब्रेक देयर बॉन्ड्स, बाय ब्रेकिंग दी बॉन्ड्स दीज इलेक्ट्रॉन्स देन बिकम दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ब्रेकिंग बॉन्ड्स दीज इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एटम के अंदर से ये जो है वो लिबरेट हो जाएंगे, सो इट विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, राइट? तो इस तरीके से ये पूरा हो रहा है। और लास्ट नॉट लीस्ट, नॉट बट डी लीस्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ सच इलेक्ट्रॉन्स कैन कंस्टिट्यूट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन कंस्टिट्यूट दिस करंट, ओके, कंस्टिट्यूट द करंट, राइट? तो इस तरीके से जो है वो पूरा रिवर्स के अंदर आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर हम देखें तो डज द ब्रेकडाउन ऑलवेज डैमेज द डायोड, तो सीधा सा क्वेश्चन अगर आपको हो रहा होगा दिमाग में कि सर आप बोल रहे थे कि रिवर्स के अंदर नहीं करना चाहिए, तो रिवर्स के अंदर हमेशा क्या ये डैमेज ही करेगा डायोड को? तो आंसर है नो, आंसर नो है, क्योंकि अगर आप पुट अप दी करंट लिमिटिंग रेजिस्टर across the diode, then it is not possible that in reverse diode will be damaged, ठीक है? तो आप करंट को अगर लिमिट कर रहते हो बाय पुटिंग अ करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, ओके, इसको आप यहां पे अक्रॉस में कहीं पे प्लेस करवाते हो, दिस इज माय करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, ऐसे अगर हम बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसकी लिमिट क्या है, इसको अगर मैं बोलूं तो ये पूरा जो है वो 1 मिली एम्पियर से ज्यादा का करंट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये आपको पता है कि 1 मिली एम्पियर से मुझे इसके अंदर से ज्यादा नहीं फ्लो होने देना है, देन आई विल चूज एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, इतना रेजिस्टेंस अगर इसको मिल जाए सर्किट को, देन इट इज पॉसिबल दैट वी आई कैन लिमिट दिस करंट, एंड सो आई कैन यूज दिस डायोड इन द रिवर्स ऑल्सो, ठीक है? तो रिवर्स के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ब्रेकडाउन ऑलवेज नॉट डैमेज दी पर्टिकुलर दिस रीजन, राइट? तो अगर हम देखें दोनों की कंपैरिजन, एवलांच
और जेनर की, तो देखते जाते हैं ठीक है क्या है। सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ब्रेक डाउन वोल्टेज वी बी आर, इसके अंदर क्या रहेंगे 5 to 8 सॉरी ये इधर रहेंगे हायर देन 8, हायर देन 8 वोल्ट, और यहां पे रहेगा वी बी आर दैट इज माई ब्रेक डाउन वोल्टेज 5 to 8 वोल्ट। यहां पे अगर आप देखें तो प्रिंसिपल बिहाइंड द मैकेनिज्म ये क्या है इसके अंदर प्रिंसिपल, सो इट इज कॉल्ड एज द कैरियर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आपके पास जो कैरियर थे माइनॉरिटी कैरियर्स या मेजॉरिटी कैरियर्स वो क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो यहां पे क्या होगा इट इज ड्यू टू द हाई और इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, तो ये फील्ड यहां पे वर्क कर रहा है। शार्पनेस ऑफ दी कर्व वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो है नॉट सो शार्प, एवलेंच के अंदर आपको शार्प नहीं मिलेगा, पर यहां पे अगर आप देखें तो इसके अंदर बहुत ही शार्प कर्व मिलेगा। यहां पे मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि कैसे शार्प मिल रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की इफेक्ट क्या हो रही है यहां पे अगर आप देखें एवलेंच के अंदर, तो वीबीआर मतलब मेरे जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वीबीआर दैट विल इंक्रीज ओके, वो क्या हो जाएगा टेम्परेचर के साथ वीबीआर इंक्रीज हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा वीबीआर जो है वो घट जाएगा ड्यू टू द हैवी अमाउंट ऑफ डोपिंग, तो यहां पे वीबीआर कम होगा लेस होगा, जैसे कि हमने यहां पे देखा नैरो डेप्लेशन रीजन विल बी ऑफर्ड ओके। नेक्स्ट द एवलेंच ब्रेकडाउन टेम्परेचर कोफिशियंट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है BEE लेक्चर्स के अंदर व्हाट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट एंड व्हाट इज नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव टेम्परेचर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट क्या है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा, और यहां पे अगर आप देखें तो इसका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा घटेगा ठीक है, मतलब स्लो होगा कम होगा। यहां पे अगर आप देखें तो ये लाइटली डॉप्ड होंगे लाइटली डॉप्ड एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द हैवीली डॉप्ड, यहां पे दोनों रीजियंस कैसे होंगे हैवीली डॉप्ड है ओके। द नेक्स्ट दैट इज द वी आई कैरेक्टरिस्टिक, सी इसके अंदर अगर आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फॉरवर्ड के अंदर तो ये जो है मेरा ये फॉरवर्ड है ये वाला रीजन ठीक है, तो यहां पे मैं रेड पेन से आपको दिखा रहा हूं दैट इज द फॉरवर्ड रीजन, इट विल नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मतलब है इम्पॉर्टेंट पर अगर आप शार्पनेस की बात करें तो यहां पे कोई शार्पनेस आपको नहीं देखने को मिलेगी, मोर ऑफनली बोथ विल बी सेविंग सेम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ओके, यहां से ऐसे बढ़ेगा और फिर एकदम शार्प इंक्रीज आएगा, तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं शार्पनेस ओके। तो ये मेरा वी है आई है ओके, आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी क्लियर विद दी आइडिया, सॉरी पार्डन मी हियर इट विल बी आई एंड हियर इट विल बी वी, यहां पे आपका आई है और यहां पे हम वी ले रहे हैं ओके। सो माइंड वन थिंग दैट दिस वे द बोथ द कंपैरिजंस कैन बी डन, सो जेनर एज वेल एज द एवलेंच बोथ आर हैविंग दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बोथ विल बी कंपेयर्ड लाइक दिस वे, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव गेन कंप्लीट नॉलेज ऑफ द ब्रेकडाउन, सो इफ यू हैव गेन दिस समवॉट complete knowledge of this video or breakdown, then you should like and share the video and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.